नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुदरत ने तो सिर्फ हमें आनंद ही आनंद दिया है, यह दुख तो हमारी खोज है। जो दो पल की खुशी आपको आने वाले कल में बहुत दुखी करने वाली हो, उसे आज ही जहर की तरह त्याग कर देना चाहिए। मत किया कर इतनी उम्मीदें दिल, यहाँ हर शख्स की एक अपनी अलग ही दुनिया है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। पैरों में अगर जान हो तो मंजिल दूर नहीं, और दिल में अगर स्थान हो तो अपने दूर नहीं। गुस्सा उस पे नहीं खुद पर आता है कि मैंने उसे इतना प्यार ही क्यों किया। तुम सफलता खोज रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम सच्चे मन से कर्म और मेहनत करना शुरू कर दो, सफलता तुम्हें खोजते हुए खुद तुम्हारे पीछे आएगी। परखा तो सभी ने मुझे, लेकिन समझा किसी ने भी नहीं। कीमती है सिक्के और ईमान सस्ता है, यहाँ रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। एक ही समय में प्यार करना और बुद्धिमान होना असंभव है। कोई रिश्ता जब आंसू साफ करने की बजाय आंसू देने लग जाए, तो समझ जाओ उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। आप खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी। आज सिर्फ चरित्र से पवित्र रहो, फिर किसी के बाप में इतना दम नहीं जो तुम पर उंगली उठा सके। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तैयार रहती हैं, वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकते। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। विश्वास के बिना ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना संभव है। सहना भी चाहिए और मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। माँ वो होती है जो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई याद नहीं करता वफा करने वालों को, मेरी मानो बेवफा हो जाओ सारा जमाना याद रखेगा। हम वो कश्ती हैं जिसका कोई इनारा ना हुआ, हम सभी के हो गए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें देता है गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। गुजरे इसकी गलियों से और समझदार हो गए, कुछ यहाँ गालिब बने तो कुछ गुलजार हो गए। नमक भी छिड़क कर देखा जख्मों पर, लेकिन तेरी बिरुखी का दर्द उससे भी ज्यादा है। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब हो गया। किरदार में मेरे भले ही अदाकारियां नहीं, खुददारी है, गरूर है, लेकिन मक्कारियां नहीं। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फैमिली पाल लेते हैं, यह भी हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये सोच कर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जिसे अंदर जहर भरा हुआ है और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम इतवार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजर अंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तना ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हों पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिसमें जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजिया नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा ही तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलती और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें कोई मानता है, कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसकी जरूरत के वक्त पर साथ दो, हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वो भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुका कर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू पर मत तौलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।